माननीय सभापति जी, आपने मुझे आज बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है बिजली का और पानी का, उस पर बोलने का अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सदन की हालत क्या है ये देख लो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। एक तरफ तो हम बार 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 चिल्ला रहे हैं बिजली पानी बिजली पानी, और सदन में शायद आज आपने अखबार पढ़ा होगा, भास्कर अखबार में भी लिखा हुआ था कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा थी और सदन में मात्र 60 सदस्य बैठे थे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके सदन की छुट्टी करके चले गए और जनता देखती की देखती रह गई। वही हाल बिजली पे कर रखा है, सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के ऊपर डाल देता है कि आपने क्या किया पिछले 5 साल में, और विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पे डालते हैं कि आपने 8-9 महीने में क्या किया। उस गांव में बैठे हुए किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वो कल आज भी अपने काम पे था, कल भी अपने काम पे था, बल्कि अपने को डिस्कस इस पे करनी चाहिए थी कि बिजली हम कैसे ज्यादा पैदा कर सकते हैं, किसान को और गांव को बिजली कैसे दे सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के सदस्य हो। सत्ता पक्ष के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिजली मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, क्या बिजली काट रहे हो इसके लिए धन्यवाद दे रहे हो क्या? या कहते कि माननीय मंत्री महोदय मुख्यमंत्री जी, गांव का लोग फोन कर रहे हैं, हमें चिल्ला रहे हैं, चाहे हमारे हो चाहे आपके गांव के हो। एक गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है कि उसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग रहते हैं, बीजेपी के लोग रहते हैं, उस गांव में दोनों पक्ष तीनों पक्ष के लोग रहते हैं, लोकतंत्र है इसमें, सब तरह के आदमी रहते हैं। और वो ये इंतजार कर रहे थे कि आज बिजली जैसे मुद्दे पर चर्चा है और हमारी बात हमारे MLA हो हमारे विधायक हैं उठाएंगे, लेकिन कैसे हम लोग एक दूसरे पर लांछन लगा करके और चले जाएंगे। आगे माननीय बाली से आने वाले पूर्व मंत्री जी, इनके साथ में 2017 में सीकर में मीटिंग में था और इन्हें एक बात कही थी, वो खरी बात होनी चाहिए कि बिजली की किल्लत थी और अधिकारी इनके साथ में थे और अधिकारियों को इन्हें कहा कि क्यों बिजली की किल्लत है, कि साहब क्या करें वो लोड सेटिंग है ये है वह। इन्हें कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, क्या आप चाहते हो कि हम विपक्ष में चले जाएंगे सत्ता छोड़ करके? और वो अधिकारियों ने इनको विपक्ष में बैठा दिया था। तो डिस्कस पॉजिटिव होनी चाहिए, आप और हम लड़ते रहेंगे, देख लो अधिकारियों के लोबी का क्या हाल है। इस जैसे मुद्दे पे आज सारे अधिकारियां मौजूद होने चाहिए लेकिन मात्र 3 अधिकारी बैठे हैं, तो ये भी क्यों फिर सीरियस होंगे? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँ कि बिजली कैसे दी जाती है किसान को, कैसे जाती ग्रामीण लोगों को बिजली दी जाए, इस पर सबको मिलकर के डिस्कस करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि डाणियों में जो लोग बस गए उनको आपके माध्यम से सभापति जी कहना, मंत्री जी डाणियों में जो लोग बस गए उनको बिजली का कनेक्शन दो। पहले चाहे आपकी सरकार हो 13 से 18 या 18 से 23 हमारी सरकार हो, 500 रुपये में डाणियों में कलेक्शन करने की योजना आई थी, उस योजना को आपने बंद कर दिया। उस योजना को आप ब्राय मेहरबानी वापस चालू करो, क्योंकि डाणी में वालों जो बस था वो गरीब है, वो एक ट्रांसफार्मर से लेकर के और आपके खेत तक ले जाने के लिए 1 लाख रुपए का डिमांड नोटिस वो जमा नहीं करा सकता, और वो जमा नहीं करा सकता तो बिजली नहीं जा सकता, इसलिए वो 500 रुपये वाली योजना उसको वापस चालू की जाए और उन्हें कनेक्शन दिया जाए। एक मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा फतेहपुर शहर बहुत बड़ा हो गया है, लाइन है ऊपर से बहुत ज़्यादा है, उसको एक अंडरग्राउंड करी जा रहे, एक ग्रेड की मांग है कि रामगढ़ सब डिवीजन के अंदर ताकलसर एक गाँव पड़ता है, उस गाँव में बिजली विभाग को जमीन अलॉटमेंट कर दी है, मैंने आपको मीटिंग में भी कहा था, और जमीन अलॉटमेंट कर दी है, एक किसान ने दान कर दी, उसमें ग्रेड सेंक्शन कर दीजिए तो वहाँ की बिजली की समस्या खत्म हो जाए। एक फतेहपुर शहर में ग्रेड की मांग है, अधिकारियों ने आपको प्रपोजल भेज दिया उस दिन मीटिंग के बाद बात उसके बाद, और वो एक ग्रेड सेंक्शन कर दीजिए। एक समस्या है हर सदस्य की पूरे राजस्थान की कि जो कॉलोनियां नई बस गई, शहर बड़ा हो गया गांव बड़ा हो गया, उसमें जो पहले बिजली आती थी चाहे किसान के खेत से आओ या गाँव के नज़दीक से आओ, वो जमीन के बीच से आती थी, अब उस बिजली के लाइन को शिफ्ट करने के लिए जो प्लाट लेकर के मकान बनाता है उसको पैसे भरने पड़ते हैं डिमांड नोटिस के कि ये शिफ्टिंग चार्ज आप भरो, वो प्लाट का पैसा भी किसी से लेकर देता है तो फिर वो बिजली का कनेक्शन वहाँ कैसे ले लेगा, शिफ्ट कैसे करा लेगा, 80-90 हज़ार रुपया डिमांडेज देकर। तो मेरी सरकार से मांग है कि या तो आप MP MLA लैंड में उसको कर दो कि MLA MP लैंड में से अपन कोष में से दे सकते हैं, कर सकते हैं, वो सार्वजनिक नहीं, एक आदमी नहीं साहब वो उसका कर सकते हैं कि जो रेवेन्यू विलेज हो उसके कर सकते हैं, कॉलोनी के नहीं दे सकते, ये उसमें स्थिरता दी जाए तो ताकि उनको के पांच मिल सके। एक आप सरकार से का पास कोई खजाने में कमी नहीं होती है, सरकार बहुत बड़ी है, सरकार माई बाप होती है,
सरकार के पास। जैसे मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि राम नारायण जी ने कहा था 200 नहीं 400 करोड़ लगे, तो क्या है, सरकार का दायित्व बनता है कि जनता को सुविधा देना, सरकार का दायित्व बनता है कि जनता को पानी बिजली की सुविधा दो, चाहे 200 नहीं 400 करोड़ रुपये भी कर्जा लेना पड़े तो पड़े, लेकिन सरकार जनता को सुविधा दे। तो मेरी आपसे मंत्री जी समाप्ति के माध्यम से निवेदन है कि आप उन जो लाइन शिफ्टिंग चार्ज है वो निगम वहन करे, निगम के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, निगम कंपनियां बहुत पैसे कमा रही हैं, ये राजस्थान से बहुत पैसे कमा कमा के जो कंपनियां ना वो लेके जा रही है, वो कंपनियां ना आपकी है ना हमारी है, ये कंपनियां कमा कर चली जाएंगी, आप इधर हम उधर चले जाएंगे, उनकी नहीं होगा।